गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो बाय द टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो यहाँ पे मेरे पास जो पॉट्स हैं वो ब्लैक कलर के हैं, और एक ये है, और ये जो दो वाइट पॉट्स हैं और ये ब्राउन है जो एक पीछे भी है। हम फिलहाल ब्लैक पॉट्स को पेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन पॉट्स को, ब्राउन वाले पॉट्स को पेंट करने की ज़रूरत है क्या। वाइट पॉट्स को मैं इसलिए पेंट नहीं करूँगी क्योंकि वो काफ़ी क्लीन है, वाइट है और वैसे अच्छे लग रहे हैं। सब पॉट्स पेंट कर दूँगी तो फिर थोड़ा सा हॉच पॉच लगने लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, बट लेट्स सी कैसा होता है। फिलहाल मेरे पास एक ये चॉक पेंट है, हम चॉक पेंट यूज़ करने वाले हैं वीडियो में। फोकस नहीं हो पा रहा है। मेरे पास ये चॉक पेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन तो मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ये इस पर अभी एक ही कोट किया है मैंने, और कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। मुझे जब तक ये सूख रहा है तब तक हम ये दूसरा वाला पॉट ले लेते हैं और इसको साइड में कर देते हैं। कि बचपन में हम बहुत सारे पॉट्स पेंट करते थे और वो काफ़ी बड़े होते थे, एक्चुअली नॉट द यूजुअल साइज़। जो बड़े गमले होते हैं हमारे घर में ना, वैसा होता था। एंड वी यूज़ टू पेंट रेड कलर ऑन दैट, गेरुआ कलर जिसको कहते हैं। तो वो स्पेशली दिवाली के टाइम पेंट करने में बहुत अच्छा लगता था, और तब एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहती थी कि पेंट करना है। काफ़ी सारे पॉट्स पेंट किए बचपन में। बचपन में ये सारे पॉट्स पेंट करने के आइडिया मम्मी से ही मिलते थे। वही बताती थी कि ये पॉट पे ऐसा डिज़ाइन अच्छा लगेगा या ये कलर अच्छा लगेगा। मैं एक्चुअली पॉट पेंट काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, पता नहीं पहले क्यों नहीं सोचा पॉट पेंट करने का, बट ठीक है। मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने काफ़ी साल पहले जो पॉट्स पेंट किए थे, इतने ह्यूज पॉट्स थे वो। ये मैंने पहला पॉट ले लिया है वापस से सेकंड कोट करने के लिए। तो बेसिकली चॉक पेंट की जो स्मेल रहती है वो एशियन पेंट जो हम वॉल पे करते हैं उसकी रहती है, एंड आई थिंक ये काफ़ी कुछ वही पेंट से सिमिलर है, बस उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपको पेंट के स्ट्रॉन्ग स्मेल से ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मास्क पहन के पेंट करें। किया है और टेकिंग। सो अभी हमारे ऑलमोस्ट तीनों पॉट, इन दोनों पे तो दो कोट हो चुके हैं, इस पे अभी एक ही कोट हुआ है। बट जब तक ये सूख रहा है तब तक मैंने सोचा मैं इस पे थोड़ा सा कुछ और डिज़ाइन बना देती हूँ। सो लेट मी थिंक ऑफ सम डिज़ाइन एंड लेट्स गेट इनटू इट। सो आई थॉट ऑफ ड्राइंग सम वाटरमेलन्स ऑन दिस वन। सो आई होप इट इज़ विजिबल। यस, तो यहाँ पे आई एम यूजिंग एक्रेलिक कलर टू पेंट वाटरमेलन्स ऑन दिस। सो द अपडेट इज नाउ आई हैव पेंटेड वाटरमेलन्स ऑन दिस वन, हाफ ऑफ इट इज नॉट कंप्लीटेड।
strawberries on this one and an abstract pattern on this one. This is not complete yet, but since it is very sunny, I'll take a break and will complete it in some time and show you. So this is how it looks after getting painted. The strawberries, the watermelon, and this design. So I'll arrange these pots and show you how they are looking here and giving some quirky look to my balcony. So we are done with the video. I hope you like it. I'm sure you're gonna try it and it will look amazing. Please do tag me in your pictures if you post it on Instagram, and do subscribe to my channel, like it, and see you in the next video.